ये देखिए यहाँ से सीधा ऊपर जा रहे हैं हम, और रास्ता यहाँ से डायरेक्ट ऊपर का है, डायरेक्ट चढ़ान है ऊपर एकदम पूरी। यहाँ से पूरा पैदल पैदल ऊपर है। मैं यहाँ से किधर है रास्ता, यहाँ से इधर है ऊपर है। यहाँ से किधर है, इधर ही साइड है। तो दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा कंफ्यूजन हो चुके हैं, ये इधर की साइड है या ऊपर की साइड है, और मेरे को जहाँ तक लग रहा है इस साइड ही होगा रास्ता, क्योंकि यहाँ पर रोड बनी है थोड़ा हल्की सी पत्थर वाली। यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जा रहे हैं महावगढ़ की तरफ के लिए। पर लोगों के लिए बैठने के लिए व्यवस्था कर रखी है, और कुर्सी है यहाँ पर, सीध ऊपर रास्ता है। मौसम काफी ठंडा है इधर का, 19 डिग्री सेल्सियस का तापमान है यहाँ पर ऊपर जाते टाइम। काफी ठंड है, हवा चल रही है। तो जब भी आप अभी आ रहे हो महावगढ़ की तरफ के लिए, थोड़ा कपड़े कपड़े सही से होने चाहिए। और सीधा ऊपर जा रहे महावगढ़ के लिए, यहाँ से सीधा रास्ता है महावगढ़ के लिए, अभी ऊपर ही जा रहे। और दोस्तों अभी देखिए हम इतनी पहाड़ी चढ़ के ऊपर आ गए, और यहाँ से पूरा ऊपर आए हैं, और ये सामने आपको महावगढ़ मंदिर दिख रहा होगा। काफ़ी मतलब काफ़ी दूर से आए हैं, जैसे आप रोड देख पा रहे होंगे उस साइड, नीचे की रोड है, और यहाँ से पूरा नीचे की साइड के लिए ऊपर आते आते मतलब बढ़िया हो चुका है। और अभी महावगढ़ मंदिर के और की तरफ के लिए भैया कोटदार से आए, कोटदार से महावगढ़ मंदिर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर मंदिर का द्वार है और मंदिर की घंटी, जय महादेव। ये जूते बाहर उतार दिए और मंदिर से ऊपर चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए लिखा होगा सिद्धपीठ महावगढ़ मंदिर में आपका भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है, और मंदिर के दर्शन करवाते हैं आपको। द्वार खुला हुआ है और मंदिर का दरबार रूम है, घंटी बजी और मंदिर के ऊपर चढ़ते हैं। और ये देखिए भव्य मंदिर महादेव जी का, महावगढ़ का। और अभी यहाँ पर कोई है नहीं, अभी हम ही पहुँचे यहाँ पर, काफ़ी चढ़ाई चढ़ के। और अभी शटर वगैरह बंद कर रखे हैं महादेव जी के, और आशीर्वाद लेते हैं महादेव मंदिर जी के, महावगढ़ के।
द्वार खोलते हैं मंदिर जी के। मैंने नहीं बोले, यही बोला था ना सड़र का। यहाँ पहुँच चुके हम जी के, जय महादेव महादेव, भगवान जी का महादेव का मंदिर ये जो आप देख पा रहे होंगे। और अभी मंदिर पहुँच चुके हैं मंदिर के, और साइड से दिखाते हैं आपको थोड़ा महाबोध का मंदिर। आप पूरा देखिए पीछे से ऐसा है, और यहाँ पर पहाड़ी दिख रही होगी, और जैसे गेट अभी खुला हुआ है मंदिर जी का, महादेव जी का। पूरा पीछे से व्यू ऐसा है, और आगे से भी दिखाते हैं आपको। महादेव जी के दर्शन करते हैं, अभी पूरा फेस्टिवल सीजन टाइम नहीं है अभी तो, कोई अभी आ नहीं रखा यहाँ पर, लेकिन बहुत से सीजन टाइम में जैसे महाशिवरात्रि हो गई या नवरात्रि टाइम पे बहुत से लोग आते हैं यहाँ पर। और उधर देखिए गांव दिख रहा होगा, उधर की साइड भी रोड जा रही है थोड़ा हल्की सी, और यहाँ पर ये हवंस का पूरा है। और आगे चलते थोड़ा, यहाँ पर हम पीछे आ गए हैं थोड़ा, यहाँ पर से ऊपर गए थे। और यहाँ पर रहने की व्यवस्था भी है, जो रहना चाहता है यहाँ पर रह सकता है। पंडित लोग, पंडित जी से बात करनी पड़ेगी यहाँ पर थोड़ा बहुत, तब रह सकते हैं। आपके लिए गेस्ट वगैरह के लिए अवेलेबल है सब कुछ। और यहाँ पर एक और मंदिर, मंदिर के दर्शन के बाद के दर्शन करें, भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पर हर महादेव, दर्शन कर सकते हैं महादेव जी के पूरा। और चलते हैं, और पानी यानी पीने की व्यवस्था भी ये सब कुछ अवेलेबल है। और पीछे दिखाते हैं आपको थोड़ा बहुत, यहाँ पर से थोड़ा बिल्ली भागी है। और यहाँ पर जानवरों के लिए जो सामान रखने के लिए बनाया है पिंजरा यहाँ पर, और ऊपर पूरा महादेव जी का मंदिर है। अभी उधर ही गए थे, और थोड़ा आगे चलते हैं और आगे का व्यू बताते हैं आपको। महाबड़ का देखिए, यहाँ पर एक रूम है गेस्ट के लिए, काफी सुंदर जगह है। यहाँ पर से अभी तो यहाँ से नीचे नहीं जा सकते, लेकिन आगे से जाएंगे, आगे से बताएंगे आपको। जाने का रास्ता कोई अवेलेबल नहीं है, लोगों ने खेती कर रही है अपने लिए, सब्जियां वगैरह बो रखी हैं, तो यहाँ से थोड़ा नीचे चलते हैं। नीचे से बताते हैं आगे कौन सी जगह है, मैंने भी पहली बार ही देख रहा हूँ मैं भी। यहाँ पर लोगों ने अपने लिए सब्जियां वगैरह बो रखी हैं, जो यहाँ पर महादेव मंदिर जी के लिए देखभाल करते हैं उनके लिए, पंडित जी लोगों के लिए। और जो गांव के लोग हैं लोकल यहाँ के, उनके लिए।
और सामने आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए। अरे रोम कहाँ गया यहाँ पर का? अच्छा ये रूम अवेलेबल नहीं, ये रूम तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा टेंट टाइप का बना रखा है। थोड़ा पीछे चलते हैं, पीछे दिखाते हैं आपको। हाँ यहाँ पर एक रूम सा है, लेकिन अब ये बंद कर रखा है इनको सामान वामान रखने के लिए। उधर की थोड़ा पहाड़ी है, उधर की साइड भी जाके देख सकते हैं, लेकिन अभी हमको लेट हो रहा है तो हमको घर भी जाना है, तो अभी हम उस साइड जा नहीं रहे, तो चलते हैं। और उधर भी कुछ है मंदिर का, देख के आते हैं। हाँ वहाँ से हम नीचे आए थे, ऊपर आए थे यहाँ से, और यहाँ से फिर नीचे की साइड जा रहे हैं। इस साइड से जाएंगे सीधा नीचे, लेकिन हमारा जूते उस साइड के लिए उतारे हुए, तो थोड़ा शूज़ पहन के चलते हैं नीचे की साइड के लिए। और ठीक है, यहाँ से आप चलते हैं घर की तरफ के लिए, और आपको दर्शन करवा दिए पूरे महादेव जी के, महावगढ़ के पूरे दर्शन करवा दिए हैं, और बहुत ही खूबसूरत जगह है, मौसम भी बहुत बढ़िया हो रखा है यहाँ का। तो आइएगा आप कभी सीजन में, महाशिवरात्रि में आइएगा और नवरात्रि में आ जाइएगा, तो काफ़ी भीड़ वगैरह देखने को मिल जाएगी आपकी यहाँ पर, लोगों की, गांव की, लोकल्स की और टूरिस्ट की, काफ़ी काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। तो ठीक है, आपको बताते हैं आगे, तो चलते हैं यहाँ से। और अभी यहाँ पर हमने जूते वगैरह पहन लिए हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बैठने की जगह है लोगों के लिए, टूरिस्ट वगैरह आते हैं जो। और आगे थोड़ा और चलते हैं, यहाँ पर से व्यू बताते हैं आपको थोड़ा और आगे का। बहुत ही सुंदर जगह, और यहाँ पर शायद नीचे कोई जगह है, और शायद मेरे लग रहा मंदिर वगैरह है नीचे ना, छत है, लोगों के घर है यहाँ पर। तो थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पर कूद मारते हैं थोड़ा हल्के से, कूद मार दिए हमने यहाँ पर से आगे से, थोड़ा चलते हैं। और ये देखिए आप जैसे व्यू देख पा रहे होंगे, नीचे मंदिर वगैरह का व्यू है, यहाँ पर रूम वगैरह अवेलेबल है लोगों के लिए रहने के लिए। और इधर भी बंद कर रखा है, अभी फेस्टिवल सीजन नहीं है अभी, लेकिन आप जब महाशिवरात्रि के दिन या नवरात्रि के दिन आओगे तो आपको काफ़ी भीड़ दिख जाएगी इस साइड के लिए। ये देखिए उस साइड देख पा रहे होंगे आप, देखें क्या खूबसूरत व्यू है, बादल दिखाई दे रहे होंगे आपको बढ़िया से चारों तरफ। तो आइएगा आप कभी महादेव जी के दर्शन कीजिएगा भव्या मंदिर के, और सारे फेस्टिवल फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पर रहने रोने के लिए। और नीचे काफ़ी दुकानें वगैरह अवेलेबल हैं, सारा सामान आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और नीचे देखिए काफ़ी रोड है, हम यहाँ से ऊपर से नीचे जैसे आप देख पा रहे होंगे वहाँ से एक रोड है जा रही है जो ऊपर से, वहाँ से हम चढ़ के यहाँ तक आए थे, ऊपर आए थे, और काफ़ी थक लग चुकी थी, मतलब कम से कम 2-3 किलोमीटर होगा यहाँ से नीचे से ऊपर। और तो यहाँ से नीचे दोबारा चलते हैं, फिर घर की तरफ चलते हैं, फिर आप यहीं एंड करते हैं इस छोटे से ब्लॉग का, और आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। A few moments later. और ये देखो हमारा पालतू, ये हमारे साथ आया है ऊपर, काफी वाला। दूसरा वाला भी आया है देखो हमारे साथ, देखो काफी क्यूट कुट कुटते हैं, डॉगी है। ओह चल चल रहे ना, ओके बाय।